अस्सलाम वालेकुम दाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक। अरे आप लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए। हाँ, नहीं भाई साहब, असल में लाइबा को बड़े अरसे के बाद देखा है, काफी चेंज हो गई है लाइबा। तस्वीर में तो आप लोग देखते होंगे ना। अरे भाई साहब, आप यहाँ की बात कर रहे हैं? खालिद ने तो कनाडा में भी सबको चीख चीख के बताया हुआ था कि इनकी लाइबा को स्कॉलरशिप मिली है। बस भाभी अल्लाह का एहसान, वरना माँ के जाने के बाद तो मैं ही समझता था कि ये बिल्कुल टूट फूट जाएगी, लेकिन जिस हिम्मत से इसने अपने आप को संभाला है, संवारा है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बेशक। बस अब आप लाइबा की फिक्र छोड़ दें और इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है कि जासिम के साथ लाइबा बहुत खुश रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इसकी खुशियों की नजर उतारनी पड़ेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम दाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक। अरे आप लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए। हाँ, नहीं भाई साहब, असल में लाइबा को बड़े अरसे के बाद देखा है, काफी चेंज हो गई है लाइबा। तस्वीर में तो आप लोग देखते होंगे ना। और भाई जासिम मियां, नई जॉब में सेटल हो गए? जी चाचू, आपको पता तो है कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सबको ठीक हो जाता है। कबाब लो ना। नो थैंक्स। भाई इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बाद में जितनी बातें करनी होगी ना कर लेना। अच्छा भाई खालिद साहब, भाभी, एक फैमिली की अच्छी सी पिक हो जाए, आ जाए आप लोग। लाइबा तुम भी साथ खड़ी हो जाओ बेटा। आओ बेटा। अच्छी सी पिक्चर, स्माइल, वेरी गुड। मैं चाय बना के लाती हूँ। आप लोग अभी कोई बात मत कीजिएगा, मैं घर चल के आपसे बात करूँ, ठीक है?